पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा शिविर का आयोजन पुलिस लाइन के सभागार में किया गया, जिसमें दंत विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति वाछड़े बोत्रे, डॉक्टर सौरभ सिन्हा, डॉक्टर कोशिका टंडन सिन्हा सहित विशेषज्ञ सर्जन की टीम द्वारा पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और दांतों का परीक्षण किया गया तथा इन्हें परामर्श के साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य शिविर में दांतों का परीक्षण कर रही ASP रोहन बोत्रे की धर्मपत्नी डॉक्टर श्रुति बोत्रे ने बताया कि अक्सर भागदौड़ की जिंदगी में पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति समय नहीं मिल पाता, जिससे उनको बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के उचित देखभाल तथा जागरूकता के लिए पुलिस लाइन के सभागार में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया और लगभग 400 पुलिस कर्मियों की परामर्श के साथ दवाएं भी वितरित की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर कोशिका टंडन सिन्हा, डॉक्टर सौरभ सिन्हा और डॉक्टर श्रुति वाछड़े बोत्रे ने बताया। देखिए, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो मैंने लोगों में देखा है वो दांतों का पीलापन और दांतों में सड़न, ये एक बेसिक बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में अभी मैंने पाई है। ज़्यादातर मतलब लगभग 90 से 95% लोगों में। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसमें दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं और उनको दांत में पानी लगना, मीठा लगना, ये वाली बीमारी की शुरुआत हो गई है। इसके लिए हमने उनको इलाज बताया है। सबसे पहले तो इनको प्रॉपरली अच्छे से टूथपेस्ट करना चाहिए, अपना दिन में 2 बार करना चाहिए। कुछ लोगों को माउथ वॉश की ज़रूरत होती है, माउथ वॉश भी करना चाहिए। इसके अलावा और जो बीमारियाँ हैं जैसे दांतों में कीड़ा लगना, तो कीड़ा लगना एक शुरुआत है दांत की बीमारी की। अगर उसी स्टेज में दांत में भराव करा लें या फिलिंग करा लें तो वो ठीक हो जाता है। अगर दांत में कीड़ा लगा है और उसका इलाज नहीं कराया है, अगर उसकी जानकारी ही नहीं है पेशेंट को, तो कीड़ा दांतों में अंदर नस तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो दांतों में इन्फेक्शन पैदा करता है और दांत के आसपास का मसूड़ा फूल भी सकता है। अगर वहाँ स्वेलिंग आ गई या कीड़ा अगर नस तक लग गया है तो उसमें दूसरे इलाज किए जाते हैं, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, या अगर बहुत ज़्यादा दांत सड़ जाता है तो उसको निकालने की नौबत आ जाती है। इसलिए पेशेंट को या कोई भी इंसान को ये जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि दांत में जैसे ही कीड़े लगने की शुरुआत हो उसका इलाज करा लेना चाहिए। ये जो कैंप है वो संपूर्ण रूप से दांत एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य रोगों की जाँच के लिए कैंप लगाया। होता क्या है कि आज हमारा शेड्यूल इतना टाइट है, हम लोग इतना भागदौड़ करते हैं, खासतौर से हम पुलिस विभाग को देखें तो उनके पास कहने के लिए छुट्टी हो सकती है सप्ताह में, लेकिन उनके पास छुट्टी का कोई समय नहीं है। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त हैं तो शायद अपनी परेशानियों पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम उनके पास पहुँचेंगे, एक जो बेसिक प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम जाँच करके शायद उन्हें बता पाए। आज हमारे देश में 70% आबादी जो है उसको बेसिक जो डेंटल प्रॉब्लम है, जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हैं, उसके बारे में पता ही नहीं है। वो डॉक्टर पास तभी जाते हैं जब उन्हें बहुत दांतों में दर्द होना शुरू हो जाए, उसके बाद वो जाते हैं इलाज के लिए। तो उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और जो इलाज है वो महंगे भी हो जाते हैं और शायद उतनी आसान भी नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम सही समय पे उन्हें देखें, बताएं, ताकि सही समय पे इलाज हो सके। यहाँ पे आज हमने एक जनरल हेल्थ
कैंप लगाया है जिसमें कई विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं। ये कुछ तो जनरल हेल्थ बॉडी से रिलेटेड जनरल फिजिशियन हैं यहाँ पे, और दांत के डिफरेंट विशेषज्ञ जिसमें ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट प्लस पेरियोडोंटिस्ट हैं एंड प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं। तो हम लोगों की एक मेजर टीम है और लोगों में ये पुलिस लाइन में कैंप लगाया है जिसमें हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हम लोगों की फ्री निःशुल्क जाँच कर पाएँ, लोगों में एक जागरूकता पैदा करें दांत से संबंधित बीमारियों के लिए, बिकॉज दांत से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा हमने एक जनरल हेल्थ के लिए भी जनरल फिजिशियन को रखा है जो लोगों की जो और अन्य तकलीफ़ हैं उनके लिए जागरूकता लोगों में पैदा करें। तो यहाँ पर एक निःशुल्क जानकारी और स्वास्थ्य संबंधित अवेयरनेस लोगों में लेकर आना चाहते हैं। ये कार्य मैं मिसेज ASP गोरखपुर, मैं ये कार्य पिछले एक साल से, मैंने अभी अलीगढ़ में, इससे पहले पोस्टेड थे हम लोग तो अलीगढ़ में भी ऐसे ही एक स्वास्थ्य संबंधित कैंप लगाया था, अभी रिसेंटली गोरखपुर आए हैं तो यहाँ पर भी हम ये जागरूकता लोगों में लाना चाहते हैं। इसके संबंधित ये पुलिस लाइन में कैंप का आयोजन किया है। काफ़ी तरीके की लोगों में जानकारी अभी है ही नहीं, लोगों में इतनी तकलीफ़ें हैं बट लोगों के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इतनी ज़्यादा आबादी है बट लोगों में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। उस जानकारी को देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे निःशुल्क कैंप आयोजित किया है जिसमें हमारी पूरी डेंटल की एक टीम है, एक जनरल फिजिशियन की टीम है। तो इसके हेतु हम यहाँ पे लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। दांतों को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दांतों, और सारा शरीर के अंदर जो पानी या कोई भोजन डेफिनेटली दांतों के बचाव के लिए क्या कहेंगे आप? मैं एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे घर, अगर घर का गेट दरवाज़ा अगर गंदा रहे तो आप अंदर बाहर करेंगे तो आपका घर कभी साफ़ नहीं रह सकता। इसी तरीके से हमारी घर, हमारा जो बॉडी है ये हमारा घर है, तो ये जो हमारा मुंह है वो एक गेट का कार्य करता है। अगर गेट, अगर मुंह कभी साफ़ नहीं रहेगा तो उससे सिस्टमिक डिजीज़ पैदा होने की बहुत आशाएँ रहती हैं। तो इसके लिए हमको नॉर्मली अगर स्वस्थ मुंह है तो हमको दो बार ब्रशिंग ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। इसके अलावा कुछ नॉर्मल रेगुलर माउथ वॉश हैं ये कभी कभी आपको यूज़ करना चाहिए, हर मील के बाद माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए और मुंह की सफाई हमेशा बने रखनी चाहिए।